अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से प्राप्त निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के आह्वान पर आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार आर्थिक नीति के मामले में असफल हुई है। देश आज भारी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। व्यापारी, किसान और आम जनता पर आर्थिक मंदी की मार पड़ी है। लोग बेरोजगार हो गए हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। मूलभूत जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और देश का बैंकिंग सिस्टम नष्ट हो रहा है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ यहां राजधानी के नलघर चौक पर धरना दिया। कांग्रेसियों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो GST लागू की वो देश के हित में नहीं। देश की अर्थव्यवस्था जहां चरमरा गई है तो वहीं देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। आज महंगाई के कारण आम जनता त्रस्त हो गई है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद देश में जो नोटबंदी और GST लागू किया वो देश के हित में नहीं है और देश की अर्थव्यवस्था उससे चरमरा गई और देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने लगा। उसके उदाहरण हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, लोग बेरोजगार हो गए, नई नौकरियों का सृजन नहीं हुआ। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी ने और राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया था तब नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी के लोग इस बात की हंसी उड़ाते थे कि मनमोहन सिंह जी तो अपने समय में मौन रहते थे पर मौन रहने वाला अर्थशास्त्री देश को बर्बादी की कगार पर नहीं ले गया था, देश के हित में उन्होंने काम किया था। आज आर्थिक मंदी के दौर में जो देश गुजर रहा है उसके दोषी, पूर्ण रूप से दोषी नरेंद्र मोदी जी हैं। छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का असर थोड़ा कम है इसलिए कि हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेश बघेल जी ने किसानों का कर्जा माफ़ किया, किसानों को धान का बोनस दिया, 2500 के समर्थन मूल्य पे धान खरीदी की, बिजली बिल हाफ किया और नई नौकरियों का सृजन किया। इसलिए छत्तीसगढ़ में आर्थिक मंदी का असर कम है पर पूरा देश में हाहाकार मचा है जिसके दोषी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश के वित्तीय संकट और वित्तीय अव्यवस्था के चलते आज ये धरना रखा गया है। आदरणीय वित्त मंत्री सीतारमण जी के स्वयं माननीय पति देव ने ये चिंता जाहिर की कि देश की अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियाँ इतनी गिर चुकी है कि जिसके कारण आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। छत्तीसगढ़ को छोड़कर किसी भी प्रदेश में बाजार अब धनतेरस में डूबता हुआ नजर आ रहा है, कई लोग विदेश भाग गए हैं। तो वित्तीय कुप्रबंधन ये इस देश की अर्थव्यवस्था को डगमगा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने में मस्त हैं, चीन की बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, लेकिन भारतीय आर्थिक व्यवस्था की वो बात नहीं कर पाते। ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है। इसी को लेकर उनको जगाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सोई हुई सरकार है उसको कुंभकर्णी नींद से बाहर लाने के लिए ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। देखिए, देश की आर्थिक मंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर धरने पर बैठी है। आज हर आदमी कहीं ना कहीं महंगाई से जूझ रहा है, भ्रष्टाचार से जूझ रहा है। जिस प्रकार से इस पूरे देश की आज स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं आदमी को ना रोजगार मिल रहा है, कल कारखाने जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो रही हैं, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, जो सरकारी उपक्रम है उनका उसको प्राइवेटीकरण करने का काम ये सरकार कर रही है। आर्थिक मंदी इस प्रकार की कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या परसेंटेज में देख लेंगे तो बढ़ गई। आज उन तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल जी, मोहन मरकाम जी को, कि जिन्होंने आज भी हमारी सरकार यहाँ बन चुकी है। हम कांग्रेस सरकार में आज चित्रकूट बाई इलेक्शन में हम लोग चुनाव जीते हैं, फिर भी जनता की आवाज़ को लेकर सड़क पर बैठकर सड़क की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से आज पूरे देश का वातावरण माहौल बना हुआ है
उसको एक एक तरह से आम जनता उससे पीड़ित है, उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। देखिए, देश में व्याप्त आर्थिक मंदी को लेकर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर शहर कांग्रेस कमेटी ने यहाँ पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया है। वाजिब तौर पर देश की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन गर्त में जा रही है, रोजगार का दर गिर रहा है, टर्नओवर खत्म हो रहा है और आर्थिक सर्वे ये बताते हैं कि देश में पिछले कई सालों में ऐसी स्थिति नहीं रही। वहीं पर तुलना करेंगे तो हमारे प्रदेश में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शासन में, कांग्रेस के शासन में जो नीतियां किसानों के पक्ष में की गई, धान खरीदी गई, आज यहां छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति पूरे देश में सबसे अच्छी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी, अभी भी चेतावनी का समय है, चेतने का समय है और देश की जनता के पक्ष में काम करने का समय है। आज का जो धरना है प्रधानमंत्री मोदी जी की बढ़ती हुई अत्यताई, मतलब इतनी महंगाई कि हर आम जनता त्रस्त हो गई है। आम जनता को राहत पहुंचाने का कोई उपाय तो उन्होंने कभी किया नहीं, महिलाओं पर विशेषकर, जो नोटबंदी से लेके उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया वो रुख आज तक बना हुआ है। अभी ज़्यादा की बात क्यों लेते हो, 300 होमगार्डों की जो नियुक्ति रद्द हुई वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, उनका परिवार कहाँ से राशन लाएगा, 3 दिन त्योहार में वो आंदोलन में बैठ रहे हैं। महंगाई से ऐसा नहीं है कि महंगाई कम करने के बजाय दिन ब दिन बढ़ाते जा रही है, तो ऐसी सरकार के विरोध में हम लोगों ने आंदोलन किया है। पूरे देश में आर्थिक मंदी है, मोदी जी की नीतियों में पूरे देश में 5-7 बड़े उद्योगपति है जो खुश है, बाकी पूरे देश में ऐसा कोई व्यापारी कोई उद्योगपति खुश नहीं है। बेरोजगार करके युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, पूरे देश के युवा भटक रहे हैं, कहीं कोई काम नहीं है, किसी के पास व्यापार नहीं बचा, धंधा नहीं बच रहा है। पता नहीं मोदी जी की नीतियां देश को कहां ले जा रही है, उसको लेकर आज हम पूरे प्रदेश में कांग्रेस जन धरना दे रहे हैं और इनके खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट। For more information, log on to www.clips.in.